नमस्कार, स्वागत है आपका लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आप सपने में दूध पीते हुए अपने आप को देखें या दूध पीते हुए किसी और को देखें तो उस सपने का क्या अर्थ होता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो दूध होता है वो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही ज्यादा सुंदर स्वप्न इसे स्वप्न शास्त्र में बताया गया है। जब आप सपने में दूध पीते हुए स्वयं को देखें या फिर आप किसी और को देखें तो यह धन आगमन का प्रतीक बताया गया है। आप समझ जाइए कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति होने वाली है, ये सपने के माध्यम से ईश्वर आपको बताते हैं। इसके अलावा यदि आप स्वयं अपने आप को दूध पीते हुए स्वप्न में देख रहे हैं तो इसका अर्थ है अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम लाख प्रयास करते हैं लेकिन कोई ना कोई बीमारी हमें घेरे रहती है, तो अगर इस तरह से आप कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं या बीमारी आपको घेरे हुए है, लंबे समय से उस बीमारी का इलाज चल रहा है, तो ये सपना दर्शाता है कि अब उस बीमारी का अंत होने वाला है, बहुत ही जल्द आपको उस बीमारी से निजात मिलने वाली है। इस सपने के माध्यम से ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा यदि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और वो सपने में बच्चे को दूध पिलाते हुए देखती है तो इसका क्या अर्थ होता है। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो कई तरह की सोच भी मन में बनाए रखती है, बच्चों को लेके बहुत सारे ख्याल बच्चों को स्त्री के मन में आते हैं, तो ऐसे में सपना आना भी लाजमी है। लेकिन अगर इस तरह का सपना उस स्त्री के को दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि जो उनको संतान होने वाली है वो बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही ज्यादा समझदार संतान की उनको प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ जो उनकी डिलीवरी है उसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से वो डिलीवरी हो जाएगी, इस तरह से ईश्वर उनको संकेत देता है। इसके अलावा अगर आप सपने में दूध को उबलता हुआ देखते हैं या दूध फैलता हुआ देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, ये जो सपना होता है वो नकारात्मकता का प्रतीक होता है। सपने का अर्थ होता है कि आपका जो धन है उसकी हानि होने वाली है। आप धन बहुत ही ज्यादा सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह आप धन फंसा दें जहां से मिलने के चांसेस ही ना हो। अगर आपको कहीं धन लगाना है और उस वो जगह सही नहीं है तब भी ईश्वर आपको उसके माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से अगर इस तरह से संकेत देता है तो समझ जाइए कि आप जो कर रहे हैं उसमें ईश्वर की मर्जी नहीं है। फिर बाद में आप भगवान को मत कोसना कि भगवान मैंने तो यहाँ पैसा लगाया था और मेरा जो पैसा है वो डूब गया। तो अगर इस तरह का आपको सपना देकर ईश्वर संकेत देते हैं तो आप थोड़ा समझ जाइए, जो आप धन कहीं पर लगा रहे हैं या किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ईश्वर आपको स्वप्न के माध्यम से ये संकेत देता है। इसके अलावा अगर आप सपने में जो दूध है उसके साथ कोई पकवान देखते हैं, जैसे कि आप खीर देखते हैं या फिर दूध जलेबी किसी को खाता हुआ देखते हैं या फिर किसी भी तरह का आप दूध से बना हुआ पकवान देखते हैं, दूध की मिठाई देखते हैं खाते हुए, तो इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है अब आपको मान सम्मान मिलने वाला है। देखिए, पैसा मिल जाए, आपको प्रतिष्ठा मिलना भी बहुत ही ज्यादा, हर एक इंसान चाहता है कि पैसे के साथ उसका एक रुतबा हो, उसका एक नाम हो, उसे लोग जाने। तो अगर आपको इस तरह का सपना आता है तो इसका मतलब होता है कि अब आपका रुतबा जो है वो बढ़ने वाला है। अगर आप घर में रहते हैं तो भी घर वाले अगर आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं या कहीं आप जिस समाज में रहते हैं आपको लगता है कि आपकी उतनी इज्जत नहीं है, तो इस सपने का अर्थ है कि अब आपको आपकी मनचाही रुतबा आपको मिलने वाला है, आपकी इज्जत जो है वो बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अगर आप सपने में मलाई खाते हुए खुद को देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। अगर मलाई खाते हुए आप अपने आप को पाए तो इसका अर्थ समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही जल्द धन लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है, ये शुभ संकेत आपको सपने के माध्यम से ईश्वर दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।